और चलिए आगे बढ़ते हैं भोपाल से एक बड़ी खबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी का बड़ा टारगेट, बीजेपी प्रदेश भर में बूथ स्तर पर आपको बता दें कार्यक्रम करेगी आयोजित, और एक दिन में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हर बूथ पर 100 नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। बिल्कुल, और देखिए सीएम नरेला के बूथ 138 और 134 पर सदस्यता दिलवाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुजूर के बूथ 53 पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह भोपाल उत्तर के बूथ 46 पर जाएंगे। तो बड़ी जानकारी भोपाल से, नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, सदस्यता दिलवाने का काम बीजेपी लगातार कर रही है, ये अभियान कहीं ना कहीं सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। हर बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद और साथ ही खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे 138 बूथ पर, 134 बूथ पर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी के साथ मध्य प्रदेश में चल रहा है और अब तक जो है 75 लाख से ज्यादा सदस्य बीजेपी ने बना लिए हैं। आज भी जो है इसी के तहत, दरअसल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और उसी के तहत जो है तमाम जो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता हैं वो अलग अलग बूथ पर पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव की हम बात करें तो सुबह करीब 12:15 बजे सीएम जो है नरेला विधानसभा के महामाई मंडल बूथ जो 138 और 134 है यहाँ पर पहुंच के जो है लोगों को सदस्यता दिलवाएंगे। इसके अलावा वो वार्ड 37 और 38 में भी पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जो है हुजूर विधानसभा के गांधीनगर के बूथ 53 पर पहुंचने वाले हैं। और दूसरे नेताओं की भी अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह वो भी उत्तर विधानसभा के बूथ क्रमांक 46 पर पहुंचेंगे और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी दोपहर 12 बजे जो है दक्षिण पश्चिम विधानसभा के 196 बूथ पर पहुंचकर लोगों को सदस्यता दिलवाएंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो आज सभी को जो है टारगेट दिया गया है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बीजेपी से जोड़ने का, चाहे हम बड़े नेताओं की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें। बिल्कुल नीलम, नजर बनाकर रखिएगा पूरे अभियान को लेकर, कार्यक्रम को लेकर अपडेट लगातार आपसे लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दी एक दिन में बड़ी संख्या में सदस्य बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के चीफ